हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से मन से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। साथ ही साथ अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक दिन बचा है, तो जितने भी वीडियो हम आपको अवेलेबल कराए हैं वो सारे वीडियो को आप लोग देख लीजिए। और जो जो टॉपिक पर अभी वीडियो छूटा हुआ है, जो जो टॉपिक पर हम वीडियो अभी नहीं बनाए हैं, उस पर हम कल मतलब आज ही के दिन लगभग लगभग वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो यहाँ पर हम जो जानेंगे इस वीडियो में, तो वो हम जानेंगे ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के बारे में, जिसको कि हम अर्थिंग स्क्रीन के थ्रू और ग्राउंड वायर के थ्रू करते हैं। तो चलिए सीधे हम अपने सेशन की ओर चलते हैं और जानते हैं कि हम ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन किस तरीके से करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे प्रोटेक्शन अगेंस्ट लाइटनिंग इन पावर सिस्टम। पावर सिस्टम में लाइटनिंग से हम प्रोटेक्शन किस तरीके से देते हैं, तो पावर सिस्टम में हम लोग लाइटनिंग से जो है प्रोटेक्शन हम देते हैं वो तीन मेथड से देते हैं। सबसे पहला हमारा होता है अर्थिंग स्क्रीन, दूसरा हमारा होता है ओवरहेड ग्राउंड वायर, जिसको कि हम लोग शेडिंग वायर भी कहते हैं। तीसरा जो हमारा होता है वो लाइटनिंग अरेस्टर होता है। तो ये लाइटनिंग अरेस्टर, इस वीडियो के जस्ट पिछले वीडियो में आपको बताए थे लाइटनिंग अरेस्टर, जिसको कि हम लोग सर्ज डाइवर्टर भी कहते थे, और एक और बताए थे सर्ज ऑब्जर्वर। तो ये यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे लाइटनिंग अरेस्टर के बारे में, यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अर्थिंग स्क्रीन और ओवर ग्राउंड वायर के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अर्थिंग स्क्रीन की ओर। तो अर्थिंग स्क्रीन को अगर आप दो लाइन में अगर आप समझना चाहते हैं, तो ये सिंपली आपको इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे आपके घर का जो कार होता है, जो आपके घर का गाड़ी होता है, उसको आप कवर लगाकर उसको धूप और बारिश जो होता है उसे, बारिश के पानी से आप बचाते हैं। तो वहाँ पर जो कवर काम कर रहा है, वही काम हमारे जो सब स्टेशन में जो महंगे महंगे इक्विपमेंट होते हैं उसको लाइटनिंग से प्रोटेक्शन दिलाने के लिए यहाँ पर अर्थिंग स्क्रीन का होता है। जिस तरह से वो जो कवर है वो आपके गाड़ी का प्रोटेक्शन करता है, उसी तरह से यहाँ पर जो महंगा महंगा इक्विपमेंट होता है सब स्टेशन में, उसको प्रोटेक्शन के लिए हम यहाँ पर अर्थिंग स्क्रीन का उपयोग करते हैं। तो जनरली अर्थिंग स्क्रीन का यही उपयोग होता है कि जैसे ही लाइटनिंग स्ट्रोक आता है, तो यह क्या करता है कि उसको ऑब्जर्व करके और लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो कराकर उसको ग्राउंड कर देता है, और हमारे इक्विपमेंट जो होते हैं, जो हमारे सिस्टम होता है, वो हमारा बच जाता है, उससे वो डैमेज होने से बच जाता है। यही इसका मेन बेसिक वर्किंग होता है और मेन इसका काम यही है। अब यहाँ पर जो हम पॉइंट लिखे हैं उस पॉइंट को डिस्कस भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की ओर। तो यह कह रहा है एज वी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ऑल द जनरेटिंग स्टेशन आर हाउस्ड इन अ स्ट्रक्चर। जितना भी जनरेटिंग स्टेशन होता है वो हाउस्ड इन अ स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि वह एक घरनुमा आकृति होता है, मतलब वह एक बंद एरिया में होता है। जनरेशन का काम जो होता है वो कैसा होता है, तो वो एक बंद एरिया में होता है। वो आप लोग जनरेशन जब पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिला होगा। लेकिन बट ऑल दी सब स्टेशन, लेकिन जितने भी सब स्टेशन होते हैं एंड देयर इक्विपमेंट, और उसका जो इक्विपमेंट होता है जो वहाँ पर लगा हुआ होता है, ट्रांसफार्मर और बहुत सारे जो इक्विपमेंट वहाँ पर लगा हुआ होते हैं, वो सारे ऑल आर इंस्टॉल्ड ऑन ओपन ग्राउंड। सारे के सारे जो होते हैं वो इंस्टॉल्ड होते हैं कहाँ, ओपन ग्राउंड में, मतलब वो किसी तरीके का वहाँ छत नहीं होता है। वहाँ पर जनरली आप देखे होंगे जो सब स्टेशन होता है वहाँ पे एक छोटा छोटा एक दो कमरा होता है, बाकी सारे जो इक्विपमेंट होते हैं वो बाहर की जो भी होते हैं वो ओपन ग्राउंड में होते हैं। और वो जो छोटा छोटा कमरा होता है उसी में आप ही लोग जब अच्छा से पढ़िएगा, जब जेई बनिएगा, तो वही कमरा में आपको बैठने को मिलेगा। वहाँ उस सब स्टेशन का आप जेई रहेंगे, आपके अंडर में बहुत सारे जो हैं वर्कर आपके अंडर में काम करेंगे, और बाहर की जो सारे इक्विपमेंट होते हैं वो बाहर की ओर लगे होते हैं। वो किसी भी जो और मतलब जो ज़्यादा सेंसिटिव इक्विपमेंट होते हैं उसके लिए हम वहाँ पर कवर किए हुए रहते हैं, लेकिन जो अदर सारे इक्विपमेंट होते हैं वो बाहर की ओर ओपन ग्राउंड में इंस्टॉल्ड होते हैं, जो कि आप देखे भी होंगे। तो वो बाहर में इंस्टॉल्ड होते हैं। अगर उस केस में अगर लाइटनिंग आता है, तो अगर उसको लाइटनिंग से इसको बचाना भी तो ज़रूरी है, तो इसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ओवर शील्ड स्क्रीन या इसको अर्थ स्क्रीनिंग के थ्रू हम उसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो वही है कि सो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दी स्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट, स्ट्रक्चर और इक्विपमेंट को प्रोटेक्शन देने के लिए फ्रॉम डायरेक्ट लाइटनिंग, डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से वी यूज ओवर शील्ड स्क्रीन। हम लोग ओवर शील्ड स्क्रीन का उपयोग करते हैं, विच इज नोन एज अर्थिंग स्क्रीन, जिसको कि हम लोग अर्थिंग स्क्रीन भी कहते हैं। इट इज माउंटेड ऑन द टॉप ऑफ द स्विच यार्ड। ये जो होता है वो स्विच यार्ड के टॉप मोस्ट में, टॉप में ये माउंट किया हुआ है, लगाया हुआ होता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है कि अर्थिंग स्क्रीन प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द पावर स्टेशन एंड सब स्टेशन फ्रॉम डायरेक्ट स्ट्रोक। मतलब अर्थिंग स्क्रीन जो होता है वो प्रोटेक्शन देता है पावर स्टेशन और सब स्टेशन को डायरेक्ट स्ट्रोक से। अब देखिए यह जो था इसका, देखिए कंस्ट्रक्शन इसी तरीके का होता है। इसके नीचे हम जैसे ये ट्रांसफार्मर रखे हुए हैं, पावर ट्रांसफार्मर, तो इसके ऊपर में ये इस तरीके से हम शील्डिंग कर देते हैं। ये ढलान नुमा, जैसे
आप लोग जिसके घर में गाय भैंस ये सब को रखने के लिए जो हम छप्पर शेड बनाते हैं उसी तरीके का इसका इसमें भी हम शेडिंग करके बनाते हैं। यहाँ पर ये जो होता है ढलानुमा स्ट्रक्चर होता है और यह जो होता है यहाँ पर से लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करके अगर इस पर सर जाता है तो इससे यह ऑब्जर्व कर लेता है यहाँ पे सर्ज को और इस लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करते हुए उसको ग्राउंड कर देता है। तो देखिए वही पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया गया है, वेन एवर डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रॉक ऑकर, जब डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रॉक होता है तो स्क्रीन ऑब्जर्व द लाइटनिंग, ये जो स्क्रीन होता है वो लाइटनिंग को ऑब्जर्व कर लेता है एंड प्रोवाइड अ पाथ, और एक पाथ प्रोवाइड करता है ऑफ लो रेजिस्टेंस का बाई भी जिसके थ्रू कि इट इज कंडक्टेड टू द अर्थ, यह जो होता है वो अर्थ से कंडक्टेड हो जाता है एंड द सिस्टम और इक्विपमेंट इज प्रोटेक्टेड, और हमारा सिस्टम और इक्विपमेंट जो होता है वो प्रोटेक्ट हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि जैसे कि यहाँ पर लाइटनिंग आता है तो ये क्या करता है कि लाइटनिंग को ऑब्जर्व कर देता है, ऑब्जर्व करने के बाद लो रेजिस्टेंस पाथ के थ्रू यह जो है वो अर्थ में कंडक्ट करवा देता है और हमारे सिस्टम और इक्विपमेंट को प्रोटेक्ट करवा देता है। नोट, इसमें देखिए दो नोट पॉइंट लिखे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देख लीजिए क्या है कि इट डज नॉट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट ट्रैवलिंग वेव, यह जो होता है वो ट्रैवलिंग वेव से हमें प्रोटेक्शन नहीं देता। ये ट्रैवलिंग वेव प्रोड्यूस कैसे होता है ये आपको हम इसके जस्ट पिछले वीडियो में भी बताए थे, यहाँ पर भी देखिए लिखा हुआ है विच इज काउज बाई द इनडायरेक्ट स्ट्रोक, जो कि ट्रैवलिंग वेव है जो इनडायरेक्ट स्ट्रोक से जनरेट होता है तो उससे यह हमको प्रोटेक्शन नहीं देता, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारा है वो लाइटनिंग से प्रोटेक्शन देता है। फॉर हाई वोल्टेज इट बिकम टॉल एंड अन इकोनॉमिकल, हायर वोल्टेज के केस में इसका जो ऊंचाई होता है वो ज्यादा होता है और साथ ही साथ ये जो होता है वो अन इकोनॉमिकल होता है। तो ओवरऑल आपको अर्थिंग स्क्रीन के बारे में समझ में आ गया होगा, बस इतना ही पॉइंट अगर आपको एग्जाम में आता है तो इतना ही पॉइंट आपको लिखना है, ज्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आप देखिए वर्किंग का भी हो गया, इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में भी हो गया, इसका कहाँ यूज होता है सारे पॉइंट इसमें आ गए हैं। तो देखिए अब हम लोग चलते हैं ओवरहेड ग्राउंड वायर की ओर। ओवरहेड ग्राउंड वायर इसका भी उपयोग हम लोग लाइटनिंग अरेस्टर से प्रोटेक्शन के लिए करते हैं, लेकिन इसका उपयोग हम लोग करते कहाँ है तो इसका उपयोग हम लोग जो करते हैं जनरली वो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के प्रोटेक्शन में करते हैं। कहाँ करते हैं? जहाँ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन होता है वहाँ प्रोटेक्शन में करते हैं। तो इस तरह का आप लोग देखे होंगे कि एक बहुत बड़ा बड़ा टावर होता है उसके जस्ट ऊपर में एक सिंगल वायर, या अगर टावर इस तरीके का होता है तो यहाँ पर दो जो होता है दो ग्राउंड वायर होता है, अर्थ वायर होता है। तो वही देखिए मतलब यहाँ पर ये टावर आप जो देख रहे हैं इसके टॉप मोस्ट पर आप लोग वहां भी देखे होंगे कि एक पतली तार गया हुआ होता है, इस तार को हम लोग कहते हैं अर्थ वायर। और यही तार जो होता है जैसे अगर लाइटनिंग आता है तो आपको पता होगा लाइटनिंग जो आता है वो जितना ऊंचा में अगर कंडक्टर होता है तो उसी पर गिरने का ज्यादा चांसेस होता है। तो ये अगर सबसे ऊपर में रहेगा तो लाइटनिंग जो है वो यहीं पे आएगा, यहाँ पर जब लाइटनिंग आएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि लाइटनिंग यहाँ पर आएगा और इस तरीके से ये जो टावर है इसके यहाँ पर जो है वो लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड कर दिया जाता है और यहाँ से जाके ये ग्राउंड हो जाता है। अब यहाँ पर जब लाइटनिंग आएगा, अगर ये आप ये सोचिए कि अगर यहाँ पर ये अर्थ वायर नहीं होता उस कंडीशन में क्या होता, अगर ये अर्थ वायर नहीं होता तो वो लाइटनिंग हमारे डायरेक्ट कंडक्टर पर गिरता, अगर एक कंडक्टर भी टूट जाता तो हो सकता है ये तीनों के तीनों फेज जो हमारा यहाँ पर गया हुआ है तीनों के तीनों फेज हमारा डैमेज हो जाता। तो इसीलिए इसको किसी भी तरीके से हमारा फेज वायर जो होता है उसको कोई दिक्कत नहीं हो लाइटनिंग से, उसीलिए हम यहाँ पर अर्थ वायर का उपयोग करते हैं। तो वही सारे पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, उसको पॉइंट को पढ़ के धीरे धीरे और अच्छे तरीके से हम लोग समझते हैं। तो यहाँ तक तो आप समझ गए कि ओवरहेड ग्राउंड वायर जो होता है, ओवरहेड ग्राउंड वायर सिस्टम इज इफेक्टिव सिस्टम, यह एक इफेक्टिव सिस्टम होता है फॉर प्रोटेक्टिंग ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन, ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक, डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक से। दूसरा पॉइंट कह रहा है द वायर विच इज यूज फॉर ग्राउंड वायर, जो जो इसमें तार हम यूज करते हैं ग्राउंड वायर के केस में, इज मेड अप ऑफ गैल्वेनाइज्ड स्टील, वो जो होता है गैल्वेनाइज्ड स्टील से बनाया हुआ होता है और ACSR कंडक्टर से भी बनाया हुआ होता है, मतलब गैल्वेनाइज्ड स्टील या ACSR कंडक्टर का ये जो होता है वो हमारा वायर होता है। इसको स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी है क्योंकि अगर ये स्ट्रांग नहीं होगा और यहाँ पर अगर जो है हमारा लाइटनिंग आया, लाइटनिंग स्ट्रोक आया उस कंडीशन में अगर ये ब्रेक कर गया तो ब्रेक कर जाएगा और गलती से ये जो हमारा फेज वायर है उसमें कनेक्ट हो जाएगा तो इसको पूरे शॉर्ट कर देगा और हमारे सिस्टम जो है वो कम्प्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पूरा जो ट्रांसमिशन है वो गड़बड़ा जाएगा हमारा। तो इसका स्ट्रांग होना भी बहुत जरूरी होता है। उसके बाद कर रहा था ग्राउंड वायर आर ऑलवेज प्लेस्ड अबव दी लाइन कंडक्टर, यह जो होता है हमेशा लाइन कंडक्टर जो फेड कंडक्टर होता है उसके जस्ट ऊपर होता है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये हमेशा जो होता है वो ऊपर होता है, वही ये पॉइंट कर रहा है। विच रन पैरेलल विद दी लाइन कंडक्टर, जो कि लाइन कंडक्टर के पैरेलली जो है वो रन करता रहता है, मतलब चलता रहता है, मतलब उसी के जैसे लाइन कंडक्टर जिस एरिया में चलता है जिस डायरेक्शन में जाता है उसी डायरेक्शन में ये भी ग्राउंड वायर भी जो होता है वो प्रेजेंट होता है। एंड आर ग्राउंडेड अ लो रेजिस्टेंस पाथ, और ये जो होता है वो ग्राउंडेड होता है लो रेजिस्टेंस पाथ से। नेक्स्ट पॉइंट है व्हेनेवर अ डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक ऑकर इट इज इंटरसेप्टेड बाय द ग्राउंड वायर, जब डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक
आता है तो वो ग्राउंड वायर के थ्रू इंटरसेप्ट हो जाता है एंड थ्रू अ लो रेजिस्टेंस पाथ, और लो रेजिस्टेंस पाथ के थ्रू इट इज कंडक्टेड टू द ग्राउंड। लो रेजिस्टेंस, यहाँ पर देखिए आर्क, लाइटनिंग आया, लाइटनिंग आते ही ये जो है वो लो रेजिस्टेंस पाथ को फॉलो करते हुए नीचे जाकर ग्राउंड हो जाता है, वही ये पॉइंट कर रहा था। तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या करा है, द रेजिस्टेंस विच प्रोवाइड अ पाथ टू द लाइटनिंग, करा है कि वैसा रेजिस्टेंस जो कि लाइटनिंग के लिए हम पाथ प्रोवाइड करते हैं, लाइटनिंग सर्ज के जो पाथ प्रोवाइड करते हैं, शुड बी लो एज पॉसिबल, जो रेजिस्टेंस होना चाहिए उसका वो जितना कम हो सके उतना होना चाहिए, फॉर हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, हाई डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन के लिए, एंड द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड टावर फुट रेजिस्टेंस, और वो जो रेजिस्टेंस होता है जितना कम होता है उसी रेजिस्टेंस को हम लोग कहते हैं टावर फुट रेजिस्टेंस भी उसको कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, द ग्राउंड वायर मस्ट बी मैकेनिकल स्ट्रॉन्ग, ग्राउंड वायर जो होता है वो मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, डैट बियर दी सफिशियंट स्ट्रेंथ, जो कि लगभग अच्छे खासे स्ट्रेंथ को बियर कर सके, सो डैट देर इज नो ब्रेकिंग, ताकि उसमें किसी भी तरह का ब्रेकिंग ऑफ कंडक्टर ना हो, कंडक्टर जो है वो ब्रेक ना करे, एंड फॉलिंग ऑन दी लाइन कंडक्टर, और लाइन कंडक्टर पर ना गिरे, अगर लाइन कंडक्टर पर गिरेगा तो हमारा पूरा जो है ट्रांसमिशन है वो गड़बड़ा जाएगा। तो कुल मिलाकर यही आज का हमारा सेशन था, इसमें हम लोग सीखे अर्थिंग स्क्रीन के बारे में कि अर्थिंग स्क्रीन क्या है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, और उसके साथ साथ हम लोग सीखे ओवरहेड ग्राउंड वायर के बारे में। तो इस पे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और पूछने की आने की संभावना इसका ज़्यादा रहता है, तो इन दोनों टॉपिक को हम यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे, और अब इस टॉपिक पर आपके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट आ गए होंगे और अब इस टॉपिक को आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और अपने जूनियर को इस चैनल से जोड़ें, क्योंकि उनके लिए भी हम बहुत सारे कंटेंट यहाँ पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे उनके लिए 4th सेम के लिए बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, और 3rd सेम के लिए भी उनके लिए हम कुछ कंटेंट को यहाँ पर शुरू करेंगे, तो उनको बेनिफिट होगा और उन्हें भी मदद मिलेगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।